अगर आप भी एंजल से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप डायरेक्ट एंजल से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति को सही कैसे कर सकते हैं एंड हमेशा उनके प्रोटेक्शन में रह सकते हैं। कुछ शाइन भी पता चलेगा आपको, जिसे आप जान पाएंगे, श्योर हो पाएंगे कि आपके साथ ऑलरेडी पहले से ही एंजल्स रहती हैं, आपको पता नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपना अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए गॉड गिफ्टेड साबित होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, देख के यूं ही मत छोड़िएगा, क्योंकि एंजल्स हमेशा चाहती हैं कि उनके बारे में लोग बातें करें, उनके बारे में लोग जानें। तो आप जितना ही शेयर करेंगे उतनी ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी एंड एंजल ब्लेसिंग मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि किस तरह से आप एंजल से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है इनसे बात करने का, इनसे जुड़ने का, वो है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया अदा बोलना। मैं हमेशा अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ, चाहे आपको एंजल नंबर दिख रहा है, बटरफ्लाइज दिख रही हैं या फिर फेदर मिल रहे हैं, रेनबो दिख रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के शाइन मिलते हैं हमें, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आस पास एंजल हैं। अगर इस तरह के साइन मिलते हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। अगर आपको इस तरह के साइन नहीं भी मिलते हैं तो भी आप इनके साथ अलाइन होने के लिए इन्हें थैंक यू बोलना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे वो एनर्जीज आपके लिए एक्टिव होती हैं और आपसे कनेक्ट होती हैं, अलाइन होती हैं, आपसे बातें करती हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो जादू की छड़ी लेके आपके सामने आएंगी और बोलेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं उस पर लगती हूँ। ऐसे नहीं होता है, ये सब जो भी बोलता है ये गलत है। हाँ, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जब आप एंजल्स से हेल्प मांगते हैं तो एंजल्स आपके सामने आती हैं। आपको पता तब चलता है जब आपकी सिचुएशन सही हो जाती है। आज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ पता चलने वाला है आपको। तो चलिए सबसे पहले जानिए कि आप हेल्प मांगेंगे कैसे। तो पहली चीज़ हो गई ग्रेटिट्यूड। आपको सुबह से शाम तक जितनी बार हो सके पॉजिटिव एनर्जी को, यूनिवर्स को, एंजल्स को शुक्रिया था बोलते रहना है, बिना मतलब का बोलना है। और हाँ, बिना मतलब का कभी कुछ नहीं होता है। अगर आप स्वस्थ शरीर में हैं तो समझिए कि ये आपके लिए अमृत तुल्य है। इसके लिए आप डेली शुक्रिया अदा बोला कीजिए। जब आप इसके लिए शुक्रिया अदा बोलना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं, जिसकी कमी आप महसूस करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आने लगती हैं। दूसरा तरीका है एंजल से कनेक्ट होने का कि आपको नहीं पता है वो कहाँ हैं, किस तरह की दिख रही हैं, हमारी बातें सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, लेकिन आपको अपने मन में ये होप रखना होगा कि वो एनर्जीज हैं, एनी टाइम आपके साथ हैं और हर बात सुन रही हैं। इसलिए आप अपनी हर बात उनके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो बात अच्छी है चाहे वो बात बुरी है। जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से बातें शेयर करना पसंद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, बल्कि उससे भी ज़्यादा ट्रस्ट के साथ आप इनके साथ अपनी बातों को शेयर करना शुरू कीजिए। अगर आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंस में इनसे बोला कीजिए कि थैंक यू एंजल्स, मेरी ये विश पूरी हो गई है। थैंक यू एंजल्स, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू एंजल्स, मैं हेल्दी हूँ। थैंक यू एंजल्स, मैं यहाँ जा रही हूँ, आप मेरी हेल्प करें। थैंक यू एंजल्स, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, कम से कम पैसे में मेरी शॉपिंग अच्छी करा दीजिए। थैंक यू एंजल्स, मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखती हूँ या दिखता हूँ। मतलब जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसे बोला कीजिए, होने से पहले बोला कीजिए, ताकि एंजल्स आपके विश के ऊपर काम कर पाएँ।
ये हो गया एंजल से जुड़ने का तरीका। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एंजल से आप कनेक्ट हो चुके हैं? तो जब भी आप कोई काम उन्हें सौंपते हैं, जैसे आपने कहा आप अपने घर से बाहर जा रहे हो और आपने एंजल से कहा कि आप मेरे घर की रखवाली करना, सेफ रखना, और गलती से आप ताला लॉक करना भूल जाते हो, यकीन रखिए अगर आप उनसे बोल के जा रहे हैं तो वो आपको याद ज़रूर दिलाएंगे। अगर एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं तो आपको मार्केट जाने से पहले पहले ज़रूर याद आएगा कि आपने अपने गेट के ऊपर ताला लॉक नहीं करा है। किसी ना किसी जरिए हो सकता है आप कोई सामान ले जाना भूल जाएं, मार्केट आप जा रहे हैं और आपका पर्स घर में छूट जाए। ये तरीका होता है एंजल्स का कि आपको गलती करने से पहले एहसास दिलाना और आपको रोकना, ताकि आप अपनी लाइफ को हमेशा सही दिशा में ले जा पाएं। ठीक है, ये उनका तरीका होता है आपसे जुड़ने का और अपने प्रेजेंस को शो करने का। अब जब आप लौट के आएंगे और देखेंगे कि आपने तो ताला ही लॉक नहीं किया था, तब आपको तुरंत रियलाइज़ होगा कि ये एंजल्स का शाइन है, कि वो हमसे जुड़ी हुई हैं और हमें बताना चाहती हैं कि वो हमसे हमेशा जुड़ी हुई हैं और हमेशा हमारी मदद कर रही हैं किसी ना किसी रूप में। सपोज़ आप मार्केटिंग करते हैं और अपना सामान किसी दुकान पर भूल जाते हैं, और अचानक से आपको याद आ जाता है सडनली कि मैंने अपना सामान कहीं छोड़ दिया है, और आप उस दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि वो दुकानदार आपका सामान लेके वेट कर रहा है, या फिर वो राह देख रहा है कि कब आप आएंगे और अपना सामान ले जाएंगे। तो ये सारे शाइन होते हैं कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं, आपसे अलाइन हो चुकी हैं। तो जब भी इस तरह का शाइन मिले ना, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि उन्हें एहसास दिलाएं कि आपको समझ आ रहा है कि वो किस तरह से आपकी हेल्प कर रही हैं। तो बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए कि वो आपकी लाइफ में हैं, आपको गाइड कर रही हैं, आपको ब्लेस कर रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके मुंह से वो बात किसी न किसी तरह से आप सुन लेंगे होने से पहले। चाहे वो कुछ बुरा होने वाला हो या अच्छा होने वाला हो, आपके घर का वो बच्चा बिना मतलब का वो सेम चीज़ होने से पहले बोलेगा या बोलेगी जो आपके लाइफ में घटित होने वाला है। अगर कुछ बुरी चीज़ें होने वाली हैं तो आपका बच्चा पहले ही बोलेगा कि हाँ हमारे घर ये होने वाला है, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्यार में बोले, गुस्से में बोले, बोलेगा ज़रूर। अगर इस तरह का साइन मिले और बाद में चीज़ें होने लगें, तो समझ लीजिए कि एंजल्स की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है। वो पहले से ही आपको सब कुछ बताना चाहती हैं। अगर कुछ बुरा होने वाला है तो भी वो आपको बार बार संकेत देती हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि एंजल्स आपकी लाइफ में होती हैं तो कुछ बुरा होता ही नहीं है। अब आपका कर्मा है तो उसके हिसाब से बुरी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन आप कैसे उस सिचुएशन से निकल जाओगे ये आपको पता नहीं चलेगा। ये मज़े वाली बात है। और यहाँ पे पता चलता है कि हाँ, जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ होती है, अलाइन होती है, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। तो ज़रूर से उन्हें इन्वोक किया कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, हमेशा उनकी वैल्यू कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि वो आपकी लाइफ में बनी रहे। अगर आप कोई गलती करने जा रहे होते हैं तो आपको उसके लिए भी ये संकेत देती हैं, तो उस गलती को सुधारने की ज़रूरत होती है, ना कि संकेत मिलने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी एंजल्स आपकी लाइफ से चली जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सबसे बताऊँ कि एंजल्स ने मेरी हेल्प कैसे करी, तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स एंजल्स की एनर्जी को आप भी इन्वोक कर पाएँ, उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग को रिसीव कर पाएँ। तो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।